एंड वेलकम टू हेल्थ अनलिमिटेड विद मी शेफ शिप्रा खन्ना, जहां पर मैं आपके लिए बना रही हूं सुपर हेल्दी रेसिपीज जो कि डिलिशियस भी हैं। और जो अगली रेसिपी मैं बनाने जा रही हूं उसका नाम है ग्रिल्ड पॉम्फ्रेट। वेल, जब सीजन में फिश आती है, पॉम्फ्रेट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र, और इसीलिए मैं आज उसको ग्रिल करके बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डेलिकेट फिश होती है, इट्स रियली डिलिशियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक पॉम्फ्रेट लेंगे। इसका जो हम हेड है वो निकाल देंगे एंड वी जस्ट ट्रिम द फिन्स एज वेल। आप चाहें तो इसको इंटैक्ट भी रख सकते हैं, बट आई प्रिफर टेकिंग दिस आउट। जो भी मैं फ्लेवर्स डाल रही हूँ वो अंदर तक रस जाए इसके अंदर। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा नमक, इसको हम रब कर देंगे, थोड़ा सा पेपर। यहाँ पर है मेरे पास एप्पल साइडर, आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I'll just turn it around, और गार्लिक, बहुत ही क्लासिक फ्लेवर्स हैं। और ये जो गार्लिक है ये मैं इनके जो हमने कट्स बनाए हैं उसके अंदर डाल दूंगी ताकि जो फ्लेवर है वो एकदम इंटैक्ट रहे। और फिश को हम मैरिनेट होने देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये इसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करेगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारी फिश एकदम तैयार है। मैंने ग्रिलिंग पैन को बहुत गर्म किया हुआ है ताकि इसके अंदर ग्रिलिंग मार्क्स बन जाएं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप गैस वाला ये ग्रिलिंग पैन यूज़ करें इसको एकदम स्मोकिंग हॉट कर दें ताकि जो हम कुछ भी जो भी हम ग्रिल कर रहे हों उस पर वो जो ग्रिलिंग लाइन्स हैं वो आ जाएँ। दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम ये फिश को लेके अपने से दूर रखेंगे और ये सिजलिंग साउंड आनी चाहिए। जो बाकी मैरिनेशन है वो इसके ऊपर डाल देंगे। फिश को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट। अगर ऑल्सो ऑफकोर्स इट डिपेंड्स कि फिश कितनी बड़ी है या उसका पीस कितना बड़ा है। दिस विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 मिनट्स टू गेट कुक्ड ऑन बोथ द साइड। तो ये दोनों तरफ से 3-4 मिनट में पक जाएंगे। स्मेलिंग वेरी गुड। और इसकी प्लेटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ येलो पेपर्स और चेरी टमेटोज। तो चलिए इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। एक बोल के अंदर ये सैलड डालेंगे, साथ ही में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्मोक पैप्रिका, और इसको हम टॉस कर लेते हैं। और जब तक ग्रिल होकर हमारी फिश तैयार हो रही है हम इसकी प्लेटिंग की भी तैयारी करते हैं। एक फ्लैट प्लेट में हम डाल देंगे ये सैलेड। अब इसको पलट देते हैं, ये देखिए परफेक्ट। गार्निश में हम डाल देंगे पार्सले,
अब आप देख सकते हैं कि ये फिश कुक हो गई है क्योंकि ये श्रिंक हो गई है इसकी स्किन और ये वाइट वाला हिस्सा बाहर निकल के आ गया है। इट्स कम्प्लीटली कुक दोनों तरफ से। तो चलिए इसे प्लेट कर लेंगे। को गार्निश कर रही हूं मैं थोड़े पार्सली के साथ। और ये लीजिए, तैयार हो गई आपकी ग्रिल्ड पॉम्फ्रेट, एज हेल्दी एंड डिलिशियस एज कैन बी।